सर्वेश्वर महादेव की। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां शोभवंश्याना चरितं परमाद्भुतम्। किया है गुरुदेव, आपने सोम और सूर्य वंश का वर्णन मुझे सुनाया, किंतु मैं यदुवंश में जन्मे भगवान श्री कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कथा तो प्यारे ऐसी कथा है कुछ जगत को बुला देती है। जगत को कैसे भूला जा सकता है, संसार में रहना भी है और जगत को भूलना भी है। कर्म करते रहो परंतु अपने उद्देश्य को मत भूलो। हमारा उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति। ये सोच के जियो कि हमें ये जन्म सिर्फ भगवान को पाने के लिए मिला है। खाते सोते और हर काम पशु भी करते, पशुओं का कोई काम हमसे भिन्न है। बच्चे भी होते हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ करते हैं, कोई कार्य भिन्न तो नहीं। लेकिन मानुष जन्म श्रेष्ठ क्यों, वो इसीलिए क्योंकि इस जन्म में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तो सिर्फ आपकी परीक्षा ली थी, मैं आपको पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाऊंगा। इधर धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, देवता त्राही त्राही करने लगे। तब भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे देवो, तुम घबराओ मत, तुम डरो मत, मैं अपने अंशों सहित और यदुवंश में अवतार लूंगा। क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जगह थोड़ी कम हो तो सट के बैठ जाते हैं। सुखावास से प्राइवेट बस जाती थी तो ऐसे खच के भर देते थे चकाचक। आज वही माहौल हमारे महादेव मंदिर पर है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं तो पीछे वालों को जगह मिल जाएगी। थोड़े थोड़े आके गीता में भी भगवान ने स्वयं कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उग्रसेन के भाई देवक की कन्या
देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। देवकी का भाई कंस अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करता था। विदाई के समय कंस ने अपनी बहन को बहुत सा दहेज भी दिया। और जब सारथी देवकी के रथ को हांक रहा था तो कंस इतना प्रेम करता था अपनी बहन से कि उस सारथी को हटा दिया, बोला रथ में चला। परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिसे तू इतना प्रेम करता है, जिसका तू रथ हांक रहा है, इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे इतना सुना रथ से उतर गया और बाल पकड़कर घसीट कर देवकी को मारने के लिए जैसे ही दौड़ा तो वसुदेव ने उसे रोक दिया। वसुदेव कहने लगे, आपको भय इससे नहीं है, इसके आठवें पुत्र से है। और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि इसके मैं सारे पुत्रों को एक एक करके तुम्हें देता रहूंगा, परंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। एक जगह कथा आती है कि कंस ने छोड़ भी दिया और वसुदेव देवकी जी अपने यहां रहने लगे। वसुदेव जी ने कहा था, मैं आठवां पुत्र तुम्हें दे दूंगा, बाकी पुत्रों से तो भय है नहीं, ना मेरी पत्नी देवकी से है। कंस मान गया, परंतु नारद जी ने सोचा ये दया कर रहा है और अधर्म बढ़ेगा नहीं, भगवान आएंगे। बुद्धि फेरने चले कंस, नारद जी ने रेखा खींचकर ऐसे दिखाई, आठ रेखा खींची और पूछा, अब बताओ इसमें से कौन सी वाली आठवीं है, ये वाली आठवीं है, ये वाली आठवीं, कहीं से गिनो के आठ की कोई भी हो सकती है। तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, पता नहीं कौन सा पुत्र तुम्हारा काल बने। कंस को बात समझ में आ गई और देवकी वसुदेव को पकड़कर कारागार में डाल दिया कि मेरे नेत्रों के सामने रहेंगे तो मैं सब कुछ देखता रहूंगा। समय आने पर देवकी की कुक्षी से पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वसुदेव ने जाकर उस कंस को सौंप दिया। दुष्ट ने एक एक करके देवकी के छह पुत्रों को मार डाला। सातवें गर्भ को भगवान ने देवकी के उधर से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो बलराम जी हुए हैं। समय आया आज भगवान के आने का। भगवान देवकी के उधर में स्थापित हुए। एक बार कंस को आभास हो गया था कि अब आठवीं संतान आने वाली है। देवकी को जाकर देखा, जैसे ही कंस देवकी जी के सामने गया और देखा तो सोच में पड़ गया कि इतनी रूपवान देवकी पहले कभी नहीं थी जितनी आज है। दिव्य तेज है देवकी जी के, क्यों? क्योंकि साक्षात नारायण है उनके गर्भगुहा। सोचने लगा, क्यों ना मैं देवकी को अभी मार दूं, जिससे सारा काम ही खत्म हो जाए, न पुत्र होगा न मुझे मारेगा। परंतु दूसरे ही पल में सोचने लगता है कि ये सिर्फ एक स्त्री नहीं है, ये मेरी बहन भी है और इसको मारने से मेरी अपकीर्ति होगी, बाद में लोग मुझे बुरा कहेंगे। ऐसा ख्याल उसके मन में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो भगवान नारायण जो देवकी जी के गर्भ में है उनके सामने खड़ा है, भगवान के सामने खड़ा है, उनके समक्ष खड़ा है, इसलिए ऐसे भाव उसके हृदय में आ रहे हैं। सोचता है मार दूं।